चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन की, कि अमीन्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो अपनी अपनी कॉपी खोल लें और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में जरा लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, तो आप अमीन्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अमीन्स को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे भाई साहब? तो एक क्लासिफिकेशन तो होता है आसान वाला, या तो उसको बोलेंगे वन डिग्री अमीन, या इसी को वन डिग्री को क्या बोला जाता है सबको पता है प्राइमरी अमीन, है ना। या होता है आपका टू डिग्री अमीन, या इसी को क्या बोला जाता है सेकेंडरी अमीन, या तो होता है आपके पास थ्री डिग्री अमीन जिसको हम क्या बोलते हैं टर्शियरी अमीन, ठीक है ना। तो एक क्लासिफिकेशन अमीन का एकदम सिंपल है, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। एक दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है और वो होता है आपका सिंपल अमीन, और एक होता है आपके पास मिक्स्ड अमीन, सिंपल अमीन और मिक्स्ड अमीन। तो हमारे पास तीन तरह से दो तरह से क्लासिफिकेशन है, एक है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, और फिर हमारे पास सिंपल अमीन और मिक्स्ड अमीन। तो एक एक करके देखते हैं कि प्राइमरी क्या, सेकेंडरी क्या, टर्शियरी क्या और सिंपल और मिक्स अमीन क्या है, ठीक है। आइए जरा ध्यान से जल्दी से देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी अमीन होता क्या है, प्राइमरी अमीन होता क्या है। चलिए प्राइमरी अमीन होता क्या है, तो व्हाट आर प्राइमरी अमीन्स? तो प्राइमरी अमीन अमोनिया से बनते हैं। किससे बनते हैं? अमोनिया से। सारे अमीन अमोनिया से बनते हैं, लेकिन प्राइमरी अमीन अमोनिया से बनते हैं। कब बनते हैं? अगर आप एक हाइड्रोजन एटम हटाओगे और उसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप या एक अराइल ग्रुप लगाओगे तो जो अमीन बन के आएगा उसको बोलेंगे प्राइमरी अमीन। देखो समझाऊंगा, जैसे आपने लिया अमोनिया, याद है भाई साहब अमोनिया क्या होता है? NH3। इससे एक हाइड्रोजन एटम हटाओ, हटा दिया, इसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगाओ, लगाया कोई अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को आर से लिखते हैं पता है ना इतना। तो जैसे हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या ये NH2 हो जाएगा? क्या तीन थे, एक कम हो गया NH2, एक जगह खाली हो गई, उस जगह पे कौन चिपका दो आर को। ये जो अमीन आया है ना इसको क्या बोलेंगे? वन डिग्री अमीन। अच्छा अब ध्यान सुनो, ये वन डिग्री में भी यहाँ पे आपने अल्काइल ग्रुप लगाया, वन डिग्री में भी कौन लगा है? अल्काइल ग्रुप। तो ये जो अमीन है ना आप इसको क्या बोल सकते हो? इट इज एरिफेटिक प्राइमरी अमीन। वन डिग्री तो है, ठीक है ना, और स्पेसिफाई करना है क्योंकि आपने अल्काइल ग्रुप लगाया है, इसलिए क्या बोलोगे? एरिफेटिक वन डिग्री अमीन या एरिफेटिक प्राइमरी अमीन। बात समझ में आ गई? अच्छा हम सिर्फ अल्काइल ग्रुप नहीं अराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं, ये अराइल ग्रुप भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाएंगे, अराइल ग्रुप को कैसे लिखते हैं हम? शॉर्ट में AR से लिखते हैं। तो जैसे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? ये NH2, ये जगह खाली हो जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे क्या लगा देंगे? AR, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा अमीन है? ये वन डिग्री अमीन तो है, ये वन डिग्री अमीन तो है लेकिन AR लगा है, इसलिए कौन सा वाला है? ये एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक वाला। नोट करें इसको जल्दी से, तो नोट कर लिया आप लोग ने, प्राइमरी अमीन समझ में आ गया है। NH3 लिया था, एक हाइड्रोजन आइटम हटाया था, या तो अल्काइल ग्रुप लगाएंगे या अराइल ग्रुप लगाएंगे तो वन डिग्री अमीन आपके पास बन के आएगा। अगर अल्काइल ग्रुप लगाए तो वो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन होगा, अगर अराइल ग्रुप लगाए तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होगा। आइडेंटिफाई कैसे करना है? आइडेंटिफाई आपको सिर्फ इससे करना है, अगर आखिरी में NH2 दिखे तो आप बंद करके वन डिग्री, आखिरी में NH2 दिखे तो आप बंद करके वन डिग्री या प्राइमरी मार देना। समझ में आ गया क्या? आइए एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको एलिफेटिक का और एक एरोमेटिक का प्राइमरी के अंदर। देखिए आपने क्या करा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है CH3NH2, ध्यान से देखिए आखिर में क्या दिख रहा है आपको? NH2 दिख रहा है, ये कौन सा वाला अमीन है? वन डिग्री। ये बता पाएंगे कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है? तो ये कौन सा ग्रुप लगा है? अल्काइल ग्रुप। तो ये वन डिग्री में भी कौन सा वाला अमीन है? एलिफेटिक वाला अमीन है। बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर इस CH3 की जगह जैसे मान लो बेंजीन रिंग लगा दी, बेंजीन रिंग और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, ठीक है। अभी भी देखो आखिर मैंने कैसे कहा था NH2 होना चाहिए, तो NH2 है तो कौन सा? वन डिग्री। और ये जो ग्रुप है ये तो है तो वन डिग्री, लेकिन ये बेंजीन रिंग लग गया, तो इस बार एलिफेटिक ना होके क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक हो जाएगा। और भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, बस आखिरी में याद क्या रखना है? NH2 होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 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 NH2, हमें सबको देखना ही नहीं, हमें क्या देखना है आखिर में? NH2 है, तो ये कौन सा अमीन होगा आपके पास? वन डिग्री अमीन। ऐसे को प्यार से क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको प्राइमरी अमीन या वन डिग्री समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी की, जल्दी से बात करेंगे सेकेंडरी अमीन क्या होते हैं, सेकेंडरी अमीन या टू डिग्री अमीन को देखते हैं क्या होते हैं। सेकेंडरी अमीन प्यार से बोलते हैं टू डिग्री अमीन। कैसे बनेंगे सेकेंडरी अमीन? तो आप इसकी डेफिनेशन दो तरह से लिख सकते हो। पहली डेफिनेशन, आपको क्या करना है, अमोनिया से इस बार दो हाइड्रोजन हटाने और आपको दो अल्काइल ग्रुप
या दो अराइल ग्रुप या एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप लगाना है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, सब क्या करना है, आपने क्या लिया NH3, अगर आपको सेकेंडरी एमीन बनाना है तो इस बार दो हाइड्रोजन आइटम हटाओ, कितना हटाओ दो हाइड्रोजन, है ना। दो हाइड्रोजन आइटम को अगर आपने हटाया तो बताओ इसकी शक्ल कैसे दिखेगी, कुछ ऐसे दिखेगी क्या, NH दो जगह खाली, पहले तीन था, दो हाइड्रोजन आपने हटा दिए, दो जगह खाली हो गई दो जगह खाली। अब भाई साहब या तो आप दोनों जगह अल्काइल ग्रुप लगा दो, दोनों जगह क्या लगा दिया आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं ना। या आप क्या कर सकते हो, एक जगह अल्काइल लगाया और एक जगह क्या लगाया अराइल लगाया, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, दोनों जगह अराइल ग्रुप लगा दो, ठीक है ना। तो ये सारे क्या बनेंगे आपके, 2-degree अमीन बनेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको बस ये देखना है NH होना चाहिए, NH अगर NH है तो 2-degree, और इससे पहले बताया था NH2 हो तो कौन सा था 1-degree, ठीक है। एग्जाम्पल दे दूं मैं, एग्जाम्पल दे दूं तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 NH CH3, तो ये लिख रहा है आपको, इधर भी अल्काइल ग्रुप इधर भी अल्काइल ग्रुप, तो कौन सा है 2-degree। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख लो क्या लिख रहा है, तुम्हें NH लिख रहा है तो 2-degree है ना, समझ में आ गया क्या। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NH, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है C6H5, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, देखो कौन सा वाला आएगा, इधर अराइल लगा दिया इधर अल्काइल लगा दिया, अभी भी कौन सा आएगा 2-degree, क्यों पता कैसे चला NH का। ऐसे समझ लो भाई साहब दोनों साइड कार्बन की चेन लटकी है, अगर एक साइड कार्बन की चेन लटकी हो तो कौन सा था प्राइमरी, दोनों साइड लटकी हो तो सेकेंडरी, समझ में आ गया क्या। आप चाहो तो दोनों साइड एरोमेटिक रिंग लगा दो, जैसे C6H5 यहाँ भी लगा दिया C6H5 यहाँ भी लगा दिया, ये भी क्या है आपके पास 2-degree है या सेकेंडरी है, बस समझ में आ गई होगी। अब लास्ट बात करते हैं 3-degree अमीन की जल्दी से, ठीक है। तो 3-degree अमीन में क्या करेंगे हम, 3-degree अमीन में या टर्शियरी अमीन में हम क्या करेंगे, तो टर्शियरी अमीन में कुछ नहीं करना आपको, 1-degree में एक हाइड्रोजन हटाया, 2-degree में दो हटाए, 3-degree में क्या करोगे तीनों हटा दो, बस यही तो करना था, समझ गए आप लोग, ठीक है ना। ये जो NH3 है इसमें से काम करो तीनों हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। हटा के देखो जरा कैसे दिख रहा है, ये नाइट्रोजन इसको कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, तीन, तो एक जगह खाली दो जगह खाली तीन जगह खाली, ठीक है ना। अब इन तीनों जगह ला के आप या तो अल्काइल ग्रुप बैठा लो या अराइल ग्रुप ला के बैठा लो, तो मान लो यहाँ पे पहला अल्काइल ग्रुप या दूसरा अल्काइल ग्रुप या तीसरा अल्काइल ग्रुप, तो ये ऐसे अमीन को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, ऐसे अमीन को बोलते हैं हम 3-degree अमीन, समझ में आ गया, ठीक है 3-degree अमीन। आइए मैं समझाऊँ अब याद कैसे रखना है इन सबको, अगर क्वेश्चन बोला है आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कौन सा टर्शियरी, तो देखो हमें क्या करना है, अगर आखिरी में NH2 दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको 1-degree, आखिरी में NH दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे 2-degree, आखिरी में सिर्फ N दिखेगा तो क्या बोलेंगे 3-degree, अगर सिर्फ नाइट्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है तो 3-degree, एक दिख रहा है तो 2-degree और दो दिख रहा है तो 1-degree, याद हो गया NH2 NH N, सिर्फ N है तो 3-degree, दो है तो 1-degree, एक है सॉरी दो है तो 1-degree और एक है तो 2-degree, समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा एक और मेरे बात करें कि सिंपल अमीन और मिक्स अमीन क्या होते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों एक साथ बता देता हूँ सिंपल अमीन क्या होते हैं और मिक्स अमीन क्या होते हैं, सिंपल और मिक्स अमीन क्या होते हैं। देखो अगर जो हमारा अमीन है, देखो सिंपल और मिक्स अमीन की क्लास डेफिनेशन वहीं पर स्टार्ट होगी जहाँ पे हम सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करेंगे, प्राइमरी में सिंपल और मिक्स नहीं आएगा, पहले तो बात दिमाग में घुसा लो कि प्राइमरी अमीन में कोई सिंपल और मिक्स नहीं आता, सिंपल और मिक्स कहाँ आता है, सिंपल और मिक्स आएगा या तो 2-degree में या तो 3-degree में, सिंपल और मिक्स कहाँ पर आएगा या तो 2-degree में या तो 3-degree में। देखो जैसे हम बात करें 2-degree की, तो 2-degree में क्या होता है, ये नाइट्रोजन होता है, याद है, और मैंने सिखाया था 2-degree के अंदर क्या होता है NH होता है और उसके बाद दो जगह खाली होती है, खाली होती है। अब अगर यहाँ वाला ग्रुप ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप सेम है, या ये वाला आप ले लो यहाँ पे अराइल ग्रुप, यहाँ पे जैसे मान लो आपने बेंजीन की रिंग लगा दी और यहाँ पे भी आपने क्या लगा दी, बेंजीन की रिंग लगा दी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं या अराइल ग्रुप लगे हैं वो सेम है, तो ऐसे अमीन्स को बोलेंगे कैसे अमीन, सिंपल अमीन। अब मिक्स की डेफिनेशन आप लोग खुद बता दो मुझे, मिक्स में क्या करेंगे भाई साहब, देखिए जैसे मान लो अपन ने 2-degree ले लिया, ठीक है ना, एक तरफ CH3 लगा दिया एक तरफ C2H5 लगा दिया, ध्यान से देखो यहाँ पे CH3 लगा यहाँ CH2H5 लगा हुआ, अलग अलग लगे हुए, ये अल्काइल ग्रुप अलग है, मिथाइल है इथाइल है, अलग है, तो ये कौन से में आएगा मिक्स अमीन। या आप जैसे मान लो यहाँ पे एक तरफ बेंजीन की रिंग लगा दो और यहाँ पे एक तरफ लेट सपोज CH3 लगा दो, तो क्या बनेगा आपके पास, कौन सा अमीन है, ये मिक्स अमीन है। तो मिक्स अमीन में जो ग्रुप लगे होते हैं या तो अल्काइल या अराइल, वो डिफरेंट लगे होते हैं, और सिंपल में दोनों तरफ सेम लगे होते हैं, ठीक है। थैंक यू।